इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर मलिया साहबा के पास। तो डॉक्टर साहबा से हम जानना चाहेंगे कि दुआ ज़ारा के केस के हवाले से उनकी क्या राय है और वो क्या जो है इस पैगाम देना चाहती हैं वालदैन को। जी डॉक्टर साहबा। जी दुआ ज़ारा केस के हवाले से मैं तमाम पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर ऐसा है कि अब बच्चों की तरबियत उस तरह से कमरे में बंद करके करना पॉसिबल नहीं है कि आप बच्चे को अच्छा बुरा समझाओ, क्योंकि सोशल मीडिया से वो कनेक्टेड हैं, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है। आप उनको किसी चीज़ से रोकेंगे या गलत बताएँगे या सही बताएँगे, वो उस चीज़ को अपने फ्रेंड्स से या सोशल मीडिया के थ्रू कुछ और चीज़ वो उससे सीख लेंगे। मेरे ख्याल में या तो वालदैन को अपने बच्चों की तरबियत में इस सोशल मीडिया के जदीद दौर में और इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी में या तो बहुत ज़्यादा उनको सुपरवाइज़ करना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं, और दूसरे केस में पेरेंट्स को चाहिए बच्चों के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग और दोस्ती का रिश्ता, ताकि बच्चे हर तरह की अच्छी और गलत बात जो उनको बाहर से इंफॉर्मेशन मिली है पेरेंट्स से सीखें, पेरेंट्स से कन्फर्म करें, पेरेंट्स से जानें कि उनका क्या राय है, उनको क्या करना चाहिए। और ये हमारे कुरान और हदीस में भी है कि जब आपके बच्चे प्यूबर्टी यानी बालिग हो जाएँ तो आप उनके निकाह में तख़ीर ना करो, उनका मुनासिब रिश्ता आने पे आप शादी करो। तो मेरे ख्याल में वालदैन को फिर अपने बच्चों की शादियों में तख़ीर नहीं करनी चाहिए और मुनासिब रिश्ता देके उनको अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर देना चाहिए। जी डॉक्टर मलिया साहिबा ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की कि जो वालदैन है उनको अपने बच्चों का दोस्त बनना चाहिए और उनकी शादियों के हवाले से तख़ीर नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखते रहिए QB14 हर खबर खास।